हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एन बी कंप्यूटर। आज हमारी टेली ईआरपी 9 की तीसरी क्लास है, जिसमें हम सीखेंगे टेली को कैसे ओपन किया जाता है, टेली का क्या परिचय होता है और कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक स्टार्ट होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी टेली की क्लास 3 है, जिसमें हम सीखेंगे टेली को कैसे ओपन किया जाता है और इसका परिचय और कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। तो चलिए पहले ओपन करना टेली को बताते हैं कैसे ओपन किया जाता है टेली को। तो हम जाएंगे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बना हुआ होगा, जैसे कि बना हुआ है टेली ईआरपी 9, देखिए नीचे की साइड में आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, या फिर सर्च में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे टेली, तो यहाँ पर टेली टॉप नंबर पर शो हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो टेली ओपन हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा टाइम लेता है, ये ओपन हो गया है। देखिए इसमें ये ऑप्शंस आ रहे हैं, पहले इनके बारे में समझ लेते हैं, लेकिन हम जो वर्क करेंगे वो वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करके तब वर्क करते हैं। तो समझ लेते हैं, पहले फर्स्ट आ रहा है एक्टिवेट योर लाइसेंस। ये होता है अगर आप यहीं से एक्टिवेट करना चाहते हैं अपने टेली को, तो यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन आ रहा है रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। इसका मतलब होता है अगर आपके पास पहले से ही टेली का लाइसेंस है तो आप यहां से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। गेट ए रेंटल लाइसेंस। रेंटल लाइसेंस का मतलब होता है आप रेंट पे लेना चाहते हैं। अगर आप टेली को रेंट पर लेना चाहते हैं तो गेट ए रेंटल लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। आगे है कन्फिगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगर आपके पास पहले से टेली का लाइसेंस है तो भी आप इस पे कन्फिगर करेंगे। नीचे है लॉग इन एज रिमोट टेली डॉट नेट यूजर। आप नेट पे ऑनलाइन इसका यूज करना चाहते हैं, जिसमें आपको यूजर आईडी मिलती है, वहां से आप रिमोटली यूज कर सकते हैं। आगे है वर्किंग इन एजुकेशनल मोड। हम इसका यूज करेंगे क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो हम वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे या फिर एंटर करेंगे। इसके नीचे का जो ऑप्शन है ये भी समझ लेते हैं। आगे है क्विट। क्विट का मतलब होता है आप इससे बाहर आना चाहते हैं, इसे क्लोज करना चाहते हैं, तब आप क्विट पे जाएंगे और एंटर करेंगे। जैसे ही देखिए एंटर करेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा, आप बाई करेंगे तो यस हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे। आप एन प्रेस करेंगे तो पीछे बैक चले जाएंगे, ये डायलॉग बॉक्स कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं एन करके दिखाता हूँ तो पीछे आ गए। देखिए एक बार ये समझ लेते हैं, ये जो ए आर आई वी आई सी ये जो आ रहे हैं अक्षर बने हुए, इनका क्या यूज है। आप अगर एक्टिवेट पे जाना चाहते हैं तो ए प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ, आप रीएक्टिवेट पे जाना चाहते हैं तो वी प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ वी। इसी लेवल से आप एजुकेशनल मोड पे जाना चाहते हैं तो डब्ल्यू प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ। अगर नीचे डबल लाइन होती है तो कंट्रोल के साथ काम करता है, नीचे सिंगल लाइन होती है अक्षर के तो ऑल्ट के साथ। जैसे मैं ऑल्ट के साथ डब्ल्यू करता हूँ तो देखिए एजुकेशन पे आ गए आप। और इसका इंटरफेस समझ लेते हैं, पहले इसका जो परिचय है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे ऊपर का जो बार होता है जिस पे आ रहा है टेली ईआरपी लिखा हुआ, और यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, और यहाँ क्लोज, क्लोज बटन हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि ये शॉर्टकट की से क्लोज होता है, तो इसे बोलते हैं आप टाइटल बार। और इससे नीचे जो आ रहा है प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टेलीशॉप, लैंग्वेज, कीबोर्ड, ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं इसे बोलते हैं आप हॉरिजॉन्टल बटन बार। देखिए एक चीज और समझ लेते हैं, देखिए एस पे डबल लाइन बनी हुई आ रही है और जी पे सिंगल लाइन आ रही है। जिसके नीचे सिंगल लाइन होती है उसका जो शॉर्टकट होता है ऑल्ट के साथ होता है, और जिस पे डबल लाइन आती है वो आपका कंट्रोल के साथ वो की प्रेस करते हैं जो स्टार्टिंग में आ रहा है, तो वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट की होती है, पता कैसे चलता है डबल लाइन और सिंगल लाइन से। डबल लाइन है तो कंट्रोल के साथ उसकी को प्रेस करेंगे, और अगर सिंगल लाइन है तो ऑल्ट के साथ वो की प्रेस करेंगे। देखिए मैं लैंग्वेज को खोल के दिखाता हूं, मैंने ऑल्ट के साथ जी को प्रेस किया तो ये देखिए लैंग्वेज कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो गई है, तो इस लेवल से आप कर सकते हैं। आगे राइट साइड में जो आ रहा है ये आपकी वर्टिकल बटन एरिया है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जब आप आगे चल के काम करेंगे काफी सारे ऑप्शंस इसमें आएंगे, वो तभी शो होते हैं तब आप आगे चल के काम करते हैं। नीचे होता है कैलकुलेटर, और इसे पूरी एरिया को बोलते हैं इंफॉर्मेशन पैनल, जिसमें कैलकुलेटर है, कॉन्फ़िगरेशन है, लाइसेंस सर्विस है, और यहाँ वर्जन अपडेट है और प्रोडक्ट है। इसे पूरी एरिया को बोलेंगे इंफॉर्मेशन पैनल। यहाँ से आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे क्लोज हो जाएगा, और यहाँ से जो पॉइंट आ रहा है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए इसमें सारी चीजें शो कर रहा है। कैलकुलेटर में आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपका किया 25 25 प्लस 25, एंटर किया देखिए 50, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है गेटवे, लोकल होस्ट, ODBS सर्वर, कौन से सर्वर से लिया गया। आगे लाइसेंस एंड सर्विसेज आ रही है। एजुकेशनल मोड पे हमने क्लिक किया था तो एजुकेशनल मोड यहाँ पे आ रहा है, लाइसेंस होता तो लाइसेंस वर्जन आता है यहाँ पे, जो भी वर्जन आप यूज करते। और यहाँ पे सीरीज ए रिलीज 6.6.3, यहाँ वर्जन एंड अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, लेटेस्ट वर्जन हमने यहाँ से लिया है। और ये प्रोडक्ट कौन सा है, टेली ईआरपी 9 यहाँ पे आ रहा है, प्रोडक्ट में टेली ईआरपी 9।
तो इस लेवल से ये शो करता है। तो चलिए आगे की चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आज की क्लास में हमें बताना था कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं टेली में हम किसी शॉप या शोरूम की अकाउंटिंग का काम करते हैं। हम सबसे पहले किसी भी शॉप या शोरूम की टेली ERP 9 में कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है, और कंपनी क्रिएट करना बहुत ही आसान है। शोरूम या शॉप की कुछ बेसिक सी डिटेल पता होनी चाहिए आपको, जो इस प्रकार से हैं। कंपनी का नेम आपको पता होना चाहिए, कंपनी का एड्रेस आपको पता होना चाहिए, कंपनी का फ़ोन नंबर पता होना चाहिए, कंपनी का मोबाइल नंबर पता होना चाहिए, कंपनी का ईमेल एड्रेस और कंपनी का सिटी एंड स्टेट, कंपनी का पिन कोड और फाइनेंशियल ईयर और कंपनी GSTIN नंबर। तो चलिए पहले एक चीज़ ज़रूरी है जानना, वो क्या चीज़? फाइनेंशियल ईयर के बारे में बहुत ज़रूरी है जानना। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर में होता क्या है? देखिए, चार लेवल के ईयर होते हैं। एक होता है आपका इंग्लिश न्यू ईयर, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर इसका लास्ट डे होता है। और एक होता है दूसरा ईयर हिंदू नंबर्स, वो 1 चैत्र से स्टार्ट होता है और फागुन में लास्ट होता है। उर्दू नया साल 1 मुहर्रम से स्टार्ट होता है और जिल हिज्जा में इसका लास्ट होता है। और फाइनेंशियल ईयर वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च इसका लास्ट डे होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ पहला साल और 31 मार्च 2023 में ये लास्ट हो गया। फाइनेंशियल ईयर जो बनेगा वो 2022 से 2023, मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 में ये एक साल होगा। जो भी आप एंट्री करेंगे, जो भी फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा, वो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 में ये फाइनेंशियल ईयर एक साल ये कंप्लीट होगा। कोई भी एंट्री करेंगे, एक साल का जो लेन देन होगा वो कब से कब तक का इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023। उसके बाद एक नया साल स्टार्ट हो जाएगा। इस लेवल से फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग में यूज़ होता है। तो चलिए मैं आपको कंपनी क्रिएट करना बताता हूँ, कैसे कंपनी को क्रिएट करेंगे। हम जाएंगे क्रिएट कंपनी। अगर आपके पास पहले से कंपनी बनी हुई है तो सेलेक्ट कंपनी करेंगे, अगर हमें न्यू कंपनी बनाना है तो क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। लॉगिन एज रिमोट यूजर, आप रिमोटली ऑनलाइन कनेक्ट होना चाहते हैं, रिमोटली यूजर माना बहुत सारे PC हैं, आप रिमोटली लेना चाहते हैं तो लॉगिन एज रिमोट यूजर पे क्लिक करेंगे। आपको इसका बैकअप लेना है। देखिए, इसमें क्या होता है, माउस का बिल्कुल भी यूज नहीं होता, सब यूज कीबोर्ड का होता है। और ये जो मूवमेंट की होते हैं आपके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो कीबोर्ड में होते हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज होता है, और एंटर का यूज होता है और एस्केप का यूज होता है। तो देखिए, सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे। अगर आपकी पहले से कंपनी बनी हुई है तो सेलेक्ट कंपनी को चूज करेंगे। हमें नई कंपनी बनानी है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी पे एंटर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये डिटेल आ जाएगी। क्या मांग रहा है? नेम, कंपनी नेम, किस नाम से आपको कंपनी बनानी है। फॉर एग्जांपल मैंने डाला यहाँ पे BNB कंप्यूटर। सेकंड मांग रहा है मेलिंग नेम, इसका कोई सेकंड नाम है तो सेकंड नाम आप डाल सकते हैं, नहीं तो यही नाम है तो सेम भी छोड़ सकते हैं, आप जो नाम ऊपर दिया है वही नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं। एड्रेस में क्या एड्रेस आपका है कंपनी का, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाला नेटो रोड, यहाँ पे आपका एड्रेस लंबा है तो आप सेकंड लाइन में डाल सकते हैं, थर्ड लाइन में डाल सकते हैं, लाइन यहाँ से मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे कंट्री कौन सा है आपका, फॉर एग्जांपल इंडिया, हम इंडिया को सेलेक्ट करेंगे। साइड में लिस्ट आ जाएगी, राइट साइड में लिस्ट ऑफ, देखिए यहाँ पे लिस्ट आ रही है साइड में, लिस्ट ऑफ कंट्री। यहाँ पे जो भी आपको कंट्री लेना है उसका की पहला प्रेस करेंगे और यहाँ पे इंडिया, इंडिया सेलेक्ट किया हमने। स्टेट आप कौन सा लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया राजस्थान। और यहाँ पे पिन कोड जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पिन कोड डाला। यहाँ पे फ़ोन नंबर जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जैसे मैंने कोई भी नंबर यहाँ पे डाल दिया। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। फैक्स नंबर है डाल सकते हैं, ईमेल आईडी है डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया BNB कंप्यूटर। और यहाँ पे वेबसाइट है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर बीइंग फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, और 1 अप्रैल 2023 से हमने ले लिया, ठीक है, लास्ट में भी ये रहेगा। और यहाँ पे वैलिड पासवर्ड, इफ अगर आप कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हैं। रिपीट पासवर्ड में जैसे मैंने डाला 123, यहाँ पे डाल दिया फिर मैंने सेम पासवर्ड। और यहाँ पे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इसे नहीं रहने देंगे। और बेस करेंसी सिंबल, ये बिल्कुल इंडिया में INR ही चलता है, रुपीज चलता है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे एंटर, यस, पासवर्ड जो हमने डाला था वो यहाँ पे डालेंगे। देखिए, यहाँ पे कंपनी नेम के नीचे कंपनी क्रिएट हो गई है और ये कंपनी का नेम आ गया BNB कंप्यूटर। और डेट यहाँ पे जो भी एंट्री आप करते जाएंगे यहाँ पे शो होती चली जाएंगी, जिस डेट में आपने एंट्री की है। नो वाउचर एंट्री, अभी कोई वाउचर हमने इसमें ऐड नहीं किया है। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में नीचे लिस्ट आ जाएगी। करंट पीरियड 1 अप्रैल 2023 और लास्ट 31/3/2024, ये आ गया। देखिए, करंट डेट आ गई आज की डेट। तो इस लेवल में टेली में आप कितनी भी कंपनी बना सकते हैं, 5 कंपनी, 10, 20, 30, 50, जितनी भी कंपनी आप बनाना चाहते हैं उतनी कंपनी आप इसमें
क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास फोर्थ में हम सीखेंगे कंपनी को कैसे एडिट किया जाता है, माना कि कोई गलती हमारे से हो गई है कंपनी बनाते समय, तो उसे कैसे एडिट करते हैं और कंपनी को कैसे देखते हैं। माना 10 या 20 कंपनी आपके टैली में बनी हुई है, तो आप उन्हें कैसे देखेंगे और कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं। माना कोई कंपनी गलत बन गई है या हो सकता है कि आपको कोई कंपनी डिलीट करनी है, तो आप उसे कैसे डिलीट करते हैं और कंपनी को बंद कैसे करते हैं, ये चीज हम नेक्स्ट क्लास फोर्थ में सीखेंगे। देखिए एक चीज और समझ लेते हैं, टैली को क्लोज कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें क्लोज बटन हाईलाइट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, एस्केप की का यूज करेंगे। एस्केप प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा डायलॉग बॉक्स, और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, या बाई प्रेस करेंगे तो भी बंद हो जाएगा। देखिए बाई प्रेस किया, बंद हो गया है। ओके, आगे की जो क्लास होगी वो फोर्थ क्लास होगी टैली ईआरपी में, और उसमें हम सीखेंगे टैली को कैसे एडिट करते हैं, टैली को कैसे डिलीट करते हैं और टैली को कैसे बंद करते हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।